हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रोज प्लांट के बारे में। तो दोस्तों, रोज प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसे हम सब घर में देखते ही है, और ये एक तरह से बोले तो आसान सा प्लांट है, और एक तरह से बोले तो थोड़ी सी केयर भी इसकी करनी पड़ती है। तो आज मैं वही शेयर करने वाली हूँ कि कौन सी सिंपल ट्रिक ऐसी है जिसे करके आप गुलाब में इतनी सारी कलियाँ आप पा सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, ये है कलियाँ और ये रिजल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे दो कलियाँ हैं, यहाँ पे एक आ रही है, और जो ये रेड रेड आपको दिखाई दे रहा है उन सभी में कलियाँ आने वाली है। तो देखिए, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, आप देख सकते हैं। तो कैसे इतनी सारी कलियां आ रही है मेरे प्लांट में, इसका सीक्रेट मैं आपको बताऊंगी, पर पहले इसकी केयर की बात कर ले हम। तो दोस्तों, गुलाब एक ऐसा प्लांट है जिसे आप कोई भी लगा सकते हो, बस थोड़ी सी धूप आनी चाहिए, यानी कि 4-5 घंटे की धूप इसके लिए काफी होती है। पूरे दिन की अगर धूप में रखेंगे तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली केयर तो ये ही हो गई कि आपको इसकी धूप के बारे में ध्यान रखना है। अगर छाव में ये पौधा रख देते हैं आप, तो फिर इसमें फ्लावरिंग नहीं होती, और आप सोचेंगे कि इसमें कौन सी खाद की कमी है तो फ्लावरिंग नहीं हो रही। ऐसा कुछ नहीं होता, कभी कभी धूप की कमी के कारण भी फ्लावरिंग नहीं हो रही। और दूसरी हम केयर की बात करें तो इसको पॉट बड़ा चाहिए, यानी कि इतना बड़ा नहीं चाहिए। ये तो मेरे पास बड़ा था इसीलिए मैंने इसमें लगा दिया है, मगर जो आप नर्सरी से गुलाब का पौधा लाते हैं वो शायद 6 इंच का होगा शायद। तो इससे 2 इंच या 3 इंच बड़ा, यानी कि 8 से 10 इंच के पॉट में आप इसको लगाएंगे तो ये अच्छे से ग्रो करेगा। अगर इतने बड़े पॉट में लगा देंगे तो क्या होगा कि आप पानी ज्यादा दे देंगे, और पानी ज्यादा होने के कारण इसमें रूट में पानी चला जाएगा, तो फिर पौधा आपका सड़ सड़ जाएगा। तो इसमें बड़े पॉट में लगाते हैं तो और कोई दिक्कत नहीं, बस पानी का थोड़ा सा ख्याल आपको रखना पड़ेगा। तो दूसरी ये हो गई कि आपको गमले की साइज अच्छे से गमले की साइज का चुनाव करना है। तीसरा कि मिट्टी अच्छे से बनानी है, यानी कि भरपूर मात्रा में उसमें खाद होनी चाहिए, यानी 30% खाद आप कोई भी ले सकते हैं, गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट, दोनों में से आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो खाद ले सकते हैं। 30% वो खाद हो गई, बाकी की 70% मिट्टी में आप नीम खली जो वो होती है हमारी, क्या बोलते हैं उसको, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा है इस वक्त, जो होता है नीम खली, फिर सरसों खली, हाँ सरसों खली, बोन मील, वो सब आप 3-5%, 10% ऐसा मिक्स करके आप अच्छे से मिट्टी बना के इसमें ग्रो करेंगे तो ये अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। और चौथी टिप्स है कि इसको डाईबैक की बीमारी इसमें ज्यादा होती है, यानी कि ये देखें, यहाँ से जो ग्रीन आपको डंडी दिखाई रही है वो ड्राई होके नीचे 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 जाएगी, और ऐसे फिर आपकी पौधा सड़ने के चांस रहेगा। तो जब भी आप इसको देखें तब इसको, यानी कि मैं आपको सिखाऊं तो देखिए, यहाँ से ये अगर डाली ड्राई हो रही है, ब्राउन हो गई है, तो यहाँ से आपको इसको यहाँ से काट देना है। फिर ऊपर कोई भी जो सिनेमन पाउडर होता है या फिर जो आपके पास होता है फंगस का पाउडर, वो आप उस पर लगा देंगे तो डाईबैक की बीमारी नहीं होगी। बराबर, तो आपका एक पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट है कि इस पे पानी का शावर सुबह में करते रहिए ताकि इसमें कोई बीमारी ही ना आए, यानी कि जो स्पाइडर माइट होते हैं वो इसमें काफी आ जाते हैं। तो इसमें अगर आप पानी का शावर सुबह में करते रहेंगे तो इसमें वो भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, ये मैंने अभी अभी ही इसमें पानी डाला है। तो बस इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। और हाँ, सबसे बेस्ट है कि आप इसमें हर तरह के खाद डालते रहे, यानी कि हमारे इंसान के शरीर में जो भी विटामिन्स वगैरह चाहिए वो पौधे में सेम ही न्यूट्रिशन चाहिए। तो आपको टाइप टाइप से बदल के हर 15 दिन या 20 दिन में इसको अलग अलग फर्टिलाइजर देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आपको केमिकल का ही सहारा लेना पड़ता है, हमारे घर से भी काफी सारे खाद होते हैं जिसमें काफी सारे न्यूट्रिशन जो पौधों को चाहिए वो आसानी से मिल जाते हैं। और कुछ भी ना हो अगर आपके पास, तो सबसे बेस्ट है कि चाय की पत्ती है वो आप इसमें डालते रहिए। चाय की पत्ती गुलाब के लिए जादू का काम करती है, और उसमें
ग्रोथ भी बढ़ती है और फ्लावरिंग भी इससे काफी सारी आती है। तो दोस्तों मेरा भी यही सीक्रेट है, मैं जब भी चाय पत्ती निकलती है सभी फ्लावरिंग वाले पौधे में यहाँ पे डालती रही हूँ। इस जगह पे डालना है, यहाँ पे नहीं डालना, आपको यहाँ से दूर थोड़ा डालना है। गड्ढा खोद के भी आप डाल सकते हो और वैसे भी आप इसमें डाल सकते हो। तो बस ये थोड़ी सी आप अगर केयर कर लेंगे गुलाब की, तो आपके घर भी इतनी सारी कलियां और फूल भी आते रहेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।